आशा को सीट पे बैठते हुए तो डर लग रहा, अभी बीच में बैठी हैं। जब बच्चे ज़्यादा होते हैं ना तो यहाँ सब बच्चे एक सीट पे दो दो तीन तीन बैठे होते हैं, और ये आस पास में भी। हम लोग आए हैं ऊपर, आशू आयशा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये मैं आपसे व्लॉग शेयर कर रही हूँ, दूसरे और तीसरे दिन का ये एहसाब मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे जनाब हम आए हैं अलखुबर, और खुबर में यहाँ आने के बाद हमें ऐसा लगा था कि यहाँ बहुत गर्मी होगी, लेकिन फिर भी इस ओके। लेकिन यहाँ पहुँचे तो हमें गर्मी का ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा था। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर, और काफ़ी लोग थे यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा मतलब इन्जॉयमेंट हो रहा था यहाँ पे। और डक के साथ जो है लोग काफ़ी मशरूफ़ थे उनको खाने पीने देने में। तो बस जहाँ जहाँ लोग खाना पीना डालते थे तो वहाँ वहाँ पे उस जगह पे जाके डक जमा हो जाती थी। तो यहाँ पे जो आयशा भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी, और आयशा जो है बहुत ज़्यादा उनको आवाज़ें निकाल रही थी, चिल्ला रही थी कि बस ये मेरे पास आ जाए आ जाए। तो यहाँ पे भी जनाब हम लोग पीकर को फीड वगैरह देने लग गए, ताकि ये हमारे करीब आए। आयशा जो आवाज़ें दे रही थी इसको, तो फिर ये हमारे नज़दीक भी आई, और काफ़ी सारी डकें हमारे करीब आई और इन्होंने खाना दाना पानी डालते रहे, और आयशा बहुत हैरान भी हो रही थी इनको देख कर ना। तो काफ़ी अच्छा हमारा यहाँ पे टाइम पास हो रहा था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर ना। तो जनाब अब यहाँ पे मगरिब का टाइम हो चुका था, और हम लोग जो हैं यहाँ से निकल रहे थे कि ताकि दिन से निकल जाएं, और इसके बाद जो है हम लोग तहराम मॉल की तरफ जाएं। तो बस मैं यहाँ से कुछ वीडियो क्लिप वगैरह बना रही थी आप लोगों के लिए, कि आप लोग देखें कि अलखुबर कैसा है और अब कैसा हो गया है। यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, काफ़ी कुछ अच्छा बना दिया है, और काफ़ी अच्छा आगे तक बनता जा रहा है। तो बस यहाँ की यही खूबसूरती है, यहाँ टूरिस्ट वगैरह इतनी ज़्यादा आते हैं कि यहाँ ये खूबसूरती बहुत अच्छी से बनी हुई है। ये है जी सुबह का टाइम है, और ये नेक्स्ट डे का हमारा व्लॉग है। और यहाँ पे जो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, और ये ईद का तीसरा दिन है यहाँ पर। तो नाश्ता भी हमारा आज सिंपल करने का मूड था, क्योंकि आज मैंने बनाना है एक कीमा, जो मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि आपने जो है खड़े मसाले का मुझे कीमा खिलाना है बना के। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन ये नाश्ता भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने इंजॉय किया है। और ईद कैसी गुजर रही है आप सब लोगों की, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हमारी ईद तो आपके सामने है, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जनाब नाश्ते से फ्री होने के बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ, और किचन में आने के बाद मैंने अब तैयारी शुरू कर दी है कीमा बनाने की। अब कीमे की रेसिपी आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है, और साथ में इसमें प्याज डाली है। जब हमारी ये प्याज जो सॉफ्ट हो गई, तो फिर मैंने इसमें कीमा डाल दिया, और कीमा डाल के इसको इतना भूना कि इसका कलर चेंज हो गया। बाद में मैंने इसे चॉप करके जो है लहसुन और ये अदरक मैंने डाल दी थी, फिर थोड़ा सा मैंने इसे भूना है। और साथ में जो है मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे। टमाटर डालने के बाद जो है मैंने इसे थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसे भूना है। फिर इसके बाद जो खड़े मसाले में जो मसाले डलते हैं वो मैंने इसमें ऐड कर रहे हैं। पूरा गरम मसाला मैंने इसमें डाला है, ज़ीरा डाला है, और साथ में नमक डाला है, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि मुझे कुछ इस तरीके का सिंपल सा जो है ना कीमा चाहिए था खड़े मसाले का, वो मैंने इसमें ऐड किया है। सारे मसाले डालने के बाद जो है मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था, और इसमें मैंने एक गिलास के करीब जो है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैंने कुक होने के लिए छोड़ दिया था। तो जनाब ये देखिए मेरे कैमरे का पीछे का हाल,
जो कि मैं पहले से क्लीन कर चुकी हूँ। और यहाँ पर जो है बस बर्तन धोने में मुझे बड़ी आजकल वो होती है, खौफ होती है कि मैं बर्तन क्यों धो और क्यों जमा हो जाते हैं। लेकिन ये भी किचन का हिस्सा है, मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। बस यहाँ पे जो है मैंने साथ में कैंडल भी जला रखी थी और इसी बड़ी अच्छी इसकी खुशबू होती है, तो बस ये सारी चीज़ें मैं रख रही थी। और आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों की ईद के दिन की कैसे गुजर रहे हैं, और ईद इतनी तेज़ी से गुजर रही है कि पता ही नहीं चल रहा। तो जनाब यहाँ पे जो मैंने जो दही डाल दिया था, और दही को मैंने डाल के जो है थोड़ा से कुक किया है, दही का पानी ड्राई हुआ तो थोड़ा मैंने इसे भून लिया है। ये वाला तो जी यहाँ पे जो है मैं दोबारा से खाना गरम करने आई हूँ, और साथ में जो ये शीर खुरमा बनाया था ये भी मैंने गरम किया है खाना खाने के लिए। अच्छा कहाँ जा रही हो? आज ईद का तीसरा दिन है और हम आयशा को बाहर लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए, और आयशा को हर टाइम तैयार रहती है घूमने के लिए। है आयशा, आप तैयार रहती है हर टाइम घूमने के लिए? आज ही प्यारी, और इनसे सब्र नहीं हो रहा। अब बाहर थोड़ी गर्मी ज़्यादा है तो गाड़ी को ठंडा तो करना है ना, तो इसलिए आशा को इधर रोक के रखा हुआ। गाड़ी भी ठंडी हो गई है, अब हम जा रहे हैं। और आशा को तो ले ले, आशा को तो लेना ही भूल गया है। हाँ आशा को तो लेना भूल गए। वाह मेरा बच्चा बोर हो गया। करते हैं, आचा का चूल्हा गया, आचा का क्षण। नो नो आचा, हम आगे जा रहे हैं ना, आगे देखो। तो जनाब ये देखें, हम थोड़ा आगे आए हैं और यहाँ पे जो है काफ़ी लोग आए हुए थे पिकनिक मनाने के लिए। यहाँ ऐसा होता है कि लोग अब वैसे पाकिस्तान इंडिया की तरह यहाँ कुर्बानी तो अलाउ नहीं है, लेकिन इस तरह से लोग अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं और कुर्बानी भी करते हैं और ईद को सेलिब्रेट भी करते हैं, और इस तरह से दूसरी प्लेस पर जा जा के अपनी पिकनिक को इंजॉय करते हैं। तो जनाब अब हम यहाँ आ चुके हैं, जिस जगह के लिए हम आए थे उस जगह का नाम है बनाना बीच। और बनाना बीच का तो आपको सुन के थोड़ी सी हैरानी होगी कि किस तरह का ये नाम है, लेकिन इन्होंने जो नाम रखा है बड़ा ही खूबसूरत सा, बहुत ही डिसेंट सा इसका नाम रखा है चूज करके। तो बस यहाँ पे जो है बड़ा फन लगा हुआ था, और ये भी बच्चों को बड़ों को काफ़ी इंटरटेन दे रहे थे यहाँ पर। और हमारी आशा जो है बहुत ज़्यादा इनसे खुश भी हो रही थी, लेकिन जो बेयर था वो उससे ज़्यादा आशा जो है खौफ ज़्यादा हो गई थी। अब बहुत उन्होंने रोना धोना मचाया हुआ था। बहरहाल हर कोई यहाँ पे अपने पिक्चर्स बनवा रहा था और साथ में इनके साथ फ़न कर रहे थे लोग यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। अच्छा ये बाहर की तरफ का व्यू है। आओ आजा, क्या हो गया? बिला के 10 रियाल जो है, 10 रियाल हमने फीस इसकी पे की अंदर आने की। और यहाँ आने के बाद जो है हम लोग दूसरी तरफ निकल गए, क्योंकि उस तरफ नहीं जाना था जहाँ आयशा को बहुत ज़्यादा उनको देख के डर लग रहा था। तो बस यहाँ आए तो मैंने ये देखा कि यह काफ़ी ज़्यादा रश था, लोग काफ़ी इंजॉय करने के लिए आए हुए थे, लेकिन गर्मी भी इतनी ही थी।
तो बस यहाँ पे खाना पीना और बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें होती हैं परफ्यूम, ये इस परफ्यूम तो इनके हर फेस्टिवल में होता है। खैर ये तो फेस्टिवल नहीं है, ये तो हर वक्त यहाँ पे लगा ही रहता है। तो हम लोग आज इस दिन को इंजॉय करने के लिए बनाना बीच पर आएँ। तो जनाब यहाँ पे लोग जो हैं पानी में आके नहाते हैं बनाना बीच पे, और यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है। तो वो इस टाइम जो है ना, मैं आगे गई थी, मैंने देखा कि वो बंद हो रही थी, तो पता नहीं क्यों बंद हो रही थी। और इसके अलावा जो है ना, बस यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों का जायज़ा लिया कि यहाँ क्या क्या है और किस तरह से यहाँ पे पिकनिक लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमारे इस ब्लॉक में जो है, आज ने आयशा ने जो रोना धोना मचा दिया ऊपर से गर्मी, तो फिर हमने सोचा कि हम यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। तो ये था मेरा ईद का दूसरा और तीसरे दिन की व्लॉग जो मैं आपसे शेयर किया है, और आप लोग भी ज़रूर बताइए कि आपके ईद के दिन कैसे गुजरे। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।